सब्सक्राइब कीजिए टेक बॉस पीजे चैनल को, दबाइए बेल आइकॉन को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल टेक बॉस पीजे में। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली आप तक पहुँच सके और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो हमारी आज की प्रॉपर्टी है टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। पहले इसको समझते हैं, ये प्रॉपर्टी होती क्या है। अगर एफ ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा है, तो एफ ऑफ बी टी, यहाँ पर देखिए हमने एक कांस्टेंट है बी, उससे मल्टीप्लाई कर दिया है टाइम में, तो इसकी टाइम की स्केलिंग हो गई है, इसलिए बोलते हैं इसे टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वन अपॉन मॉड ऑफ बी एफ ऑफ ओमेगा बाय बी। अब इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या करना है आपको, फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ माइनस टी। आपको निकालना है एफ ऑफ माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो हम जानते हैं एफ ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एफ ऑफ ओमेगा। अब अगर आपको चाहिए एफ ऑफ माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो इस एफ ऑफ माइनस टी को आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस ऑफ वन इंटू टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए आपको। अब अगर हम इसको कंपेयर करें हमारी प्रॉपर्टी से, ये देखिए, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या होंगी आपकी, माइनस वन, तो आपको मिल गई b की वैल्यू मिल गई माइनस वन। तो अब इस प्रॉपर्टी को यूज़ कीजिए आप, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा आपका, वन अपॉन मॉड ऑफ माइनस वन एफ ऑफ ओमेगा अपॉन माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा वन अपॉन वन एफ ऑफ माइनस ऑफ ओमेगा। तो अब आप लिख सकते हैं कि इस एफ ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो क्या होता है, एफ ऑफ माइनस ऑफ ओमेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रॉपर्टी को यूज़ करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इसे लाइक करना ना भूलें।